तो आखिरकार इंडायरेक्टली ही सही पर केआरके ने सलमान खान से माफ़ी मांग ली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सलमान खान ने केआरके के ऊपर मानहानि का मुद्दा किया है, जिस पर अभी कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश भी दिए हैं, लेकिन अब जा कर के कहीं ना कहीं केआरके की जो तेवर है वो नरम पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और केआरके ने माफ़ी भी मांगी है सलमान खान से, भले ही इनडायरेक्टली ही हो। आप सभी को बता दूं कि केआरके ने दो ट्वीट्स किए हैं जिसके ज़रिए अपनी बात सामने रखे हैं, और उसमें केआरके के जो तेवर है वो नरम पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों जब ये केस पूरा अदालत में भी है, तब भी केआरके लगातार सलमान खान के ऊपर एक के बाद एक ट्वीट करके हमला कर रहे थे, और सलमान खान को बॉलीवुड का गुंडा भाई कहकर संबोधित कर रहे थे। लेकिन अब जाकर के कहीं ना कहीं केआरके के जो तेवर है वो नरम पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो ट्वीट में उन्होंने लिखा है उसके बाद कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि केआरके थोड़ा सा डर गए हैं। क्योंकि अदालत ने जिस तरीके से उनके खिलाफ़ फैसला दिया है और जिस तरीके से अदालत में ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं केआरके की जो पकड़ है वो इस केस में कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। तो केआरके ने क्या लिखा है अपने ट्वीट में, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ। केआरके ने एक के बाद एक दो ट्वीट किए हैं जो कि अपने स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। तो अगर हम बात करें उनकी ट्वीट की, तो केआरके ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है, डियर सलमान खान, आई हैव वॉलेंटरली रिमूव ऑल माई वीडियोज अबाउट यू बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू और एनी वन एल्स। आई विल कंटिन्यू फाइट केस अगेंस्ट यू इन द कोर्ट। आई विल ओनली रिव्यू योर फ्यूचर फिल्म्स इफ आई विल गेट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो पहला ट्वीट में केआरके ने यह लिखा है, जिसके अगर हम हिंदी अनुवाद में बात करें तो केआरके ने कहा है कि प्रिय सलमान खान, मैंने आपसे संबंधित सभी वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिया है, और मैं भविष्य में आपकी फिल्म की रिव्यू तभी करूंगी जब मुझे अदालत से इसकी अनुमति मिलेगी, और आपको भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। वहीं अगर हम बात करें, इसके बाद केआरके ने एक और ट्वीट किया है इसी मामले से जुड़ी हुई, जिसमें वो लिखते हैं, योर टीम कैन नोटिफाई मी इफ आई हैव लेफ्ट एनी वीडियो ऑन माई चैनल व्हिच ऑफेंड्स यू सो दैट आई कैन डिलीट दैट वीडियो ऑल्सो। यानी कि इसकी अगर हम हिंदी अनुवाद में बात करें तो दूसरे ट्वीट में केआरके कहते हैं कि अगर मैंने कोई भी वीडियो आपसे जुड़ी हुई अपने यूट्यूब चैनल पर गलती से छोड़ दिया हो तो आपकी टीम उसको रिव्यू करके मुझे जानकारी दे सकती है ताकि मैं उस वीडियो को भी डिलीट कर दूं। तो इसमें बड़ी बात जो सामने निकल के आई है वो ये है कि अब केआरके ने कहीं ना कहीं अदालत की जो फैसला है उसको माना है, और उनको मानना ही था क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि केआरके के खिलाफ जो सलमान खान ने मानहानि का मुकदमा दिया हुआ है उसमें अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए ये कहा था कि जब तक इस केस का अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक केआरके सलमान खान से जुड़ी हुई कोई भी ट्वीट या फिर वीडियोज नहीं डालेंगे, जिसके बाद केआरके को यह कदम उठाना पड़ा है। आप लोगों को पता होगा की शुरुआत में ही जब पहली ही हेडिंग थी इस मामले की, तो केआरके के वकील ने अदालत में इस बात का वादा किया था कि अब लेकर जब तक इस केस पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक सलमान खान के बारे में केआरके कोई ट्वीट्स नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी केआरके ने कई सारे ट्वीट्स किए थे, जिसके बाद सलमान खान के वकील ने इस पर आपत्ति जताते हुए अदालत में एक सप्लीमेंट्री PLA दायर किया था, जिसके बाद अदालत ने यह बड़ा फैसला दिया है, और उसके बाद केआरके भी अब नरम पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो भले ही इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं केआरके ने सलमान खान से माफ़ी मांग ली है। तो इस पर आप लोगों क्या है कहना हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।